आदमी अपने आप से भाग सकता है। आदमी किस्मत से है, किस्मत से है। दुनिया का सबसे बड़ा नशा रिस्क। वो उस महल से आए और हमारे गांव का शिवलिंग चुरा के ले गए। अब कहां पहुंच गए हम? इंडिया। क्या अब चलेगा अक्षय पे मुकदमा? क्या फिल्म के चक्कर में जाना पड़ेगा अपने देश से बाहर? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इसी पे बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ में, और मैं आपकी दोस्त और होस्ट हर्षिका। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार की आने वाली फिल्म राम सेतु के ऊपर। ये वीडियो एंटरटेनिंग और एक्साइटिंग तो नहीं होगी, बट ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज़ आप वीडियो को एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे अक्षय कुमार काफ़ी सारी फिल्में कर रहे हैं, उनकी फिल्में पाइपलाइन पे खड़ी ही हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, और ये फिल्में आती ही जा रही हैं, आती ही जा रही हैं और आती ही जा रही हैं। हमारे अक्षय कुमार इतनी सारी फिल्में कर चुके हैं और उसके बाद इस साल भी उनकी काफ़ी सारी फिल्में आने वाली हैं। तो उसी एक फिल्म यानी कि राम सेतु के ऊपर काफ़ी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, चलिए जानते हैं क्या। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फिल्म में कंट्रोवर्सी चल रही है, तो किससे है ये कंट्रोवर्सी? तो दोस्तों, हमारे बीजेपी लीडर सुब्रमण्यम स्वामी, आपने उनका नाम ज़रूर सुना होगा, क्योंकि हमेशा अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन, स्ट्रॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू के कारण हर जगह सुर्खियों में रहते हैं। उनके स्टांस, उनके स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस, उनके कहने का तरीका, सब चीज़ को देख के वो हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो उन्होंने इस चीज़ पर यानी कि राम सेतु को लेकर भी अपना स्टैंड उठाया है और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, जिसके कारण अक्षय कुमार को काफ़ी कुछ झेलना पड़े शायद। मैं आपको बताऊँ तो राम सेतु के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी ने ये बोला है कि फिल्म में यानी कि फिल्म राम सेतु हमारे तथ्यों के साथ काफ़ी ज़्यादा बुरा कर रहे हैं, यानी कि वो गलत चीज़ें दिखाने वाले हैं हमारे फिल्म में राम सेतु को लेकर। तो दोस्तों, ये बात कुछ समझ नहीं आई होगी आपको। तो उनका कहने का मतलब ये है कि जो फैक्ट्स हैं यानी कि राम सेतु के जो फैक्ट्स हैं, वो लोग गलत तरीके से दिखाने वाले हैं। मैं बता दूं दोस्तों, फिल्म अभी रिलीज़ नहीं हुई है और उनका ये कहना है कि वो ऐसी कोई भी चीज़ बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे हमारी कंट्री को लेकर, हमारे सभ्य को लेकर, हमारी संस्कृति को लेकर। और उन्होंने अपने ट्वीट में ये भी बोला कि अक्षय कुमार इस कंट्री के यानी कि इंडिया के नागरिक नहीं हैं, तो उन्हें इंडिया से निकाला भी जा सकता है। जी दोस्तों, इंडिया से निकालने तक की बात हो गई है। और उन्होंने बोला है कि मैं इसके लिए यानी कि फिल्म राम सेतु के लिए अक्षय कुमार और कुमार्स प्रोडक्शन दोनों को स्यू करूँगा। तो चलिए, आप बताइए आपको क्या लगता है, आखिर सही कौन है इसमें? अक्षय कुमार सही हैं या उनकी फिल्म सही है या हमारे सुब्रमण्यम स्वामी सही हैं? तो हमें जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताइए। तो यही थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।